हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल व्लॉग्स विद सुल्तान। आज हम आए हैं मुंबई के बहुत ही मशहूर इलाके में जिसका नाम मोहम्मद अली रोड है। मोहम्मद अली रोड का नाम आते ही लजीज जायकों का अपना एक अलग ही खुशबू आने लगती है। तो मोहम्मद अली रोड एक ऐसा रोड है जहाँ की खाऊ गली पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। खाऊ गली नॉनवेज लवर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ का नल्ला निहारी, बिरयानी एंड मिठाई, उसके अलावा सुलेमान उस्मान, उसके अलावा ये टूर शुरू करते हैं। अभी हम साथ में एक्सप्लोर करते हुए आपको बताते हैं सारी चीज़ें और यहाँ के बारे में सब कुछ आपको एक्सप्लोर करते हैं आप। तो साथियों, यहाँ पर इस गली में आते ही चिकन के आइटमों की खुशबू आपके नाक में जाना शुरू हो जाएगी और इतने बेहतरीन बेहतरीन चिकन के आइटम्स कि आपके मुंह में पानी आ जाए। ये चिकते हुए चिकन टिक्के, उसके अलावा तीतर बतेर का गोश्त, मटन का गोश्त काफ़ी बेहतरीन लगता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चिकन खाया जाता है। चिकन के आइटम्स मुंबई में ज़्यादा खाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोयले पर सिकता हुआ चिकन जब खड़े होकर स्ट्रीट पर खाओ, क्या मज़ा आ जाता है। उसके अलावा यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं, इफ्तार से लेकर सहरी तक गुलजार रहती है। सुलेमान उस्मान मिठाई वाले की असली दुकान यही मोहम्मद अली रोड पर है और यहाँ का अफलातून पूरे दुनिया भर में फेमस है। वैसे तो इनकी कई ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ का अपना अलग ही लजीज जायका है। इनके यहाँ की मालपुआ और मिठाइयाँ काफ़ी बेहतरीन हैं, इन्हें खाकर आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनके यहाँ इतनी वैरायटीज़ की मिठाइयाँ हैं कि आप खाते हुए महीने भर नहीं थकेंगे। आप खुद ही देखिए कितनी तरह की वैरायटीज़ है। उसके अलावा अफलातून के कई सारे ब्रांड्स इनके यहाँ पर हैं, कई तरह की वैरायटीज़ हैं। केसर का हलवा है जो कि दुबई में बनता है, वो वाला हलवा भी इनके यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर कई सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो कि लाइन से हैं। उसके अलावा फेमस है, जनता है, कई सारे रेस्टोरेंट हैं। उनके बाहर लटके हुए सीख में चिकन काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन चिकन टिक्का हो गया, उसके अलावा रोस्टेड चिकन हो गया। यहाँ पर लटके हुए चिकन जो है दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जो यहाँ की पब्लिक है अगर खाने आई है तो पेट भर कर खा के जाती है। तो यहाँ देखिए स्टिक्स में लगे हुए चिकन कई कलर में हैं। यहाँ पर येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और वाइट कलर में काफ़ी अच्छे अच्छे स्टिक में लगे चिकन्स मिल जाएंगे। इस स्टिक को खाने का अपना अलग ही मज़ा है। उसके अलावा यहाँ के फ्राइड चिकन को नींबू और प्याज के साथ खाने का अपना अलग ही मज़ा है। और सबसे ज़्यादा मुंबई में पाव चलता है, तो यहाँ पर पाव के अंदर सीख पाव हो गया, कबाब रोल हो गया, काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। तो आपको देख कर मुँह में पानी आ रहा होगा, यहाँ पर चिकन के इतने आइटम हैं, लग रहा है कि मैं चिकन खाने में आ गया हूँ। उसके अलावा ये देखिए ताज़े बन रहे रोल आपको देखकर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर शौरमा भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। शौरमा रोल है, ये सीख रोल है, टिक्का रोल है, ये शेजवान रोल है, शाही रोल है, ये शाही रोल है। कीमा द चीज इज देयर, कीमे के बीच में चीज आता है और अंडे की कोटिंग में बनाया गया है। ये सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ लगी, चचा काफी अच्छी इंग्लिश माशाल्लाह बोल रहे हैं। उसके अलावा ये चिकन कांडी है, ये तो काफी ज्यादा फेमस है, ये सीख हो गया। उसके अलावा ये क्या है, ये मलाई टिक्का है, ये सीख कबाब है। तो चचा बता रहे थे यहाँ सफेद बिरयानी भी मिलती है क्या? व्हाइट बिरयानी भी मिलती है, सीख बिरयानी भी मिलती है, मायनीज बिरयानी भी मिलती है, तंदूरी बिरयानी भी मिलती है और हमारी नॉर्मल बिरयानी डम बिरयानी भी मिलती है। 7 days बिरयानी वी आर गिविंग इन द माशाल्लाह होटल। Yes. 7 दिन की 7 बिरयानी हमारे यहाँ पर होती है। 7 दिन की 7 बिरयानी आपके होटल में। आपका होटल का क्या नाम है? माशाल्लाह माशाल्लाह कुशाइन। चचा तो दोस्तों यहाँ मिठाइयों की काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन दुकानें हैं। तो उसके अलावा मिठाइयों के अलावा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और खजूर के काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें मुझे नज़र आई। यहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया खजूर थे, आप लोग आकर ट्राई करिए अगर आपको खजूर पसंद है। नहीं भी पसंद है तो मेरे कहने पर एक बार खजूर ट्राई करिए, खजूर काफ़ी हेल्दी चीज़ है। यहाँ मोहब्बत का शरबत सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव का केंद्र है। यहाँ नफ़रत का शरबत है, मोहब्बत का शरबत है, वो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। उसके अलावा दूसरी दुकान पर मैं पहुँचा तो यहाँ पर मुझे भेजा और गुर्दा मिल गया जो कि 250 रुपये प्लेट में दिया जाता है, लेकिन ये एक नंबर लाजवाब टेस्ट का था। तो चचा से बात करने पर मुझे पता चला कि इसको खाने के लिए अंग्रेज भी बाहर से आते हैं। क्या
तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक फॉरेनर्स का ग्रुप मुझे दिख गया जो कि भेजा और कलेजी गुर्दा ये सब ट्राई कर रहे थे। उसके अलावा उन लोगों से बात करने पर मुझे पता लगा कि पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ खाने आते हैं। ये लोग स्पेशली यहाँ पर चिकन और भेजा खाने आए थे। उसके अलावा यहाँ के रोस्टेड की काफ़ी ज़्यादा ये लोग तारीफ़ कर रहे थे। तो वहाँ से आगे बढ़ते ही बुरहानपुर मध्य प्रदेश की एक दुकान दिख गई जहाँ के दही वड़े काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए आप, अनार सजाए हुए दही बड़े काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा ब्लैक कलर के गुलाब जामुन खाने का अपना अलग ही मज़ा है। और ये जो जलेबी है इसे मावा जलेबी कहते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में कम बिकती है लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब था, इसमें मेवे मिले हुए थे। तो ये जो है इसे मावा जलेबी कहते हैं, बुरहानपुर का मावा जलेबी। उसके अलावा ये गुलाब जामुन है, उसके अलावा वो दही बड़ा है। मावा जलेबी मैंने कभी नहीं खाई है। तो यहाँ पर मछली से बने हुए आइटम्स भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे। वीक में दो तीन दिन मछली के आइटम्स काफ़ी बढ़िया बढ़िया बनते हैं। उसके अलावा 500 से 600 रुपये में दो लोग आराम से खा सकते हैं। अगर खाने वाले ज़्यादा हैं तो 1000 रुपये तक लग जाएंगे। तो मुझे भूख लग गई थी, मैंने माशाल्लाह रेस्टोरेंट में चीज़ शाही रोल मंगवा लिया है। वहाँ का मेन मेन्यू उन्होंने बताया काफ़ी बढ़िया होता है, इसीलिए मैंने इसको मंगवा लिया है और खाकर ट्राई करता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर रेशमी बर्रा आ चुका है जो कि माशाअल्लाह की फेवरेट डिश है। इसे मैंने अभी ट्राई नहीं किया, इसे मैं ट्राई करके अभी आपको बताता हूँ। तो रेशमी बर्रा काफ़ी थोड़ा स्वीटी में आ रहा है, यानी थोड़ा मीठे में लग रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा है टेस्ट में, जैसा कि चचा ने नीचे बताया था। तो मोहम्मद अली रोड की बेसिकली जो टेस्ट है काफ़ी अलग है और जगहों से। मैंने लखनऊ भी खाया है, लखनऊ तो अच्छा है ही, लखनऊ हैदराबाद और मुंबई का मोहम्मद अली रोड कुछ अलग ज़रूर है। लखनऊ का अपना एक अलग टेस्ट है, यहाँ का अपना एक अलग टेस्ट है। तो अभी हम आगे एक्सप्लोर करके और बताएंगे, बाकी बर्रा अभी खाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने यहाँ पर मोहम्मद अली रोड पे चिकन रेशमी बर्रा ट्राई किया जो कि थोड़ा मीठे में आ रहा था लेकिन काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा यहाँ की सफ़ेद दम बिरयानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मोहम्मद अली रोड के बारे में मैंने सुना था, तो मैं वही अभी ट्राई करने के लिए ऑर्डर किया हूँ। अभी आएगी तो मैं खा के बताऊँगा कैसा है। उसके अलावा यहाँ मीठे के लिए मावा जलेबी हो जाएगी और मालपुआ है, और यहाँ एक शरबत मिलता है, कई तरीके का शरबत। अभी नीचे वो भाई जो मिला था वो शरबत बेचता है, उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफ़ी अच्छा है। जो रेस्टोरेंट है वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है लेकिन जो स्ट्रीट फूड है वो आपको अफोर्डेबल बजट में भी पड़ सकता है। आप दोनों चॉइसेस के हिसाब से, अगर आप सुकून और शांति भरी जगहों पर खाना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट में अंदर जाके खा सकते हैं, अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद है तो स्ट्रीट पर खा सकते हैं। प्राइस का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। कुल मिलाकर यहाँ जितना मैंने सुना था कि मोहम्मद अली रोड काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा यहाँ का टेस्ट है। तो ये देखिए साथियों, यहाँ पर वाइट बिरयानी हमारे सामने आ चुकी है लेकिन ये वैसे ही लग रही है जैसे आम बिरयानी होती है, बस नाम इसका बदल दिया गया है। खाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसी है। बाकी बिरयानी मैंने कई तरीके की खाई है, चूँकि हम लोग लखनऊ से हैं तो वहाँ पर बिरयानी कई तरीके के, सबसे फेमस पूरे हिंदुस्तान भर की इदरीस बिरयानी मिलती है। तो अभी टेस्ट करके मैं आप, तो ये वाइट बिरयानी खाने के बाद ये पता चला ये कुछ हद तक कलकत्ता वाली बिरयानी से मिल रही है। इसमें आलू भी पड़े हुए हैं, तो ये कलकत्ता की बिरयानी जो मैंने पहले आपको दिखाई थी वो कलकत्ता वाली बिरयानी की तरह लग रहा है। कि बेसिकली बिरयानी वैसी ही है जैसे नॉर्मल बिरयानी होती है, उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये। इसके अलावा हमारे पीछे ये भाई लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं यहाँ पर। हाय कर दो भैया आप लोग भी दर्शकों से, काफ़ी ज़्यादा ये लोग कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी अच्छा। तो साथियों, हम लोगों ने यहाँ पर वाइट बिरयानी ट्राई की, वो भी अच्छी थी, कलकत्ता की तरह, कलकत्ते वाली बिरयानी की तरह लगती थी जो हमारे यहाँ गुड्डू भाई बनाते हैं, एकदम वैसे ही बिरयानी थी। उसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ, आप जब भी यहाँ भेजा ट्राई कर सकते हैं, उसके अलावा गुर्दा ट्राई कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। ग्रेवी में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ग्रेवी का मटन चाप भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रीट पे खड़े होकर खाएं तो उसका ज़्यादा अपना अलग मज़ा है, क्योंकि रेस्टोरेंट पे वो फील नहीं आती है जो स्ट्रीट पे आती है, और वहाँ के सामान कुछ ज़्यादा सस्ते आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा खाने के बाद जो यहाँ पर डेजर्ट है मिठाइयों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 3-4 सुलेमान उस्मान है, उसके बगल दो दुकानें थी वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शरबत मिलता है, अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, उसे भी आप ट्राई करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुंबई टूर मेरा काफ़ी अच्छा है,
तो साथियों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बेसिकली यहाँ का जो खाऊ गली है पीछे हमारे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोर होगा। यहाँ का स्ट्रीट फूड आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर मुंबई आते हैं और नॉनवेज लवर हैं हार्डकोर, तो आप ज़रूर चले आइए मोहम्मद अली रोड, यहाँ से बेहतर पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसके जय हिंद जय भारत, आप लोग खुश रहें।